हुआ है उसके लिए आपने अरे हमारी सॉरी मित्रों, बिफोर दैट हमारी बीएमएस की आज बहुत बड़ी रैली थी, तो उसकी हमारी मीटिंग थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बीएमएस की लीडर्स के साथ, और इतनी बड़ी रैली, इतनी सफल रैली के बाद हम उनको इंसल्ट तो नहीं कर सकते। अभी इन्होंने तो 4 या 4:30 बोल दिया, लेकिन वहीं 4 बजे हमारी मीटिंग थी वित्त मंत्री के यहाँ पे। हाँ, कर्मचारी और मजदूरों के विषयों को उजागर करने वाली रैली थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम कामगारों के हित में लिए उसकी सराहना करने के लिए रैली थी। मित्रों, आज हम सबको, हर देशवासी को खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गत 3.5 वर्षों में लगातार देशहित और जनहित के काम सरकार ने किए हैं, समाज के सभी वर्गों की सेवा हेतु जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध, काला धन के विरुद्ध एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और लंबे अरसे तक भारत की विकास की यात्रा तेज गति से बढ़ती रहे, उसके प्रति जो बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिए हैं, उसकी एक और सर्टिफिकेशन बोलिए, सराहना बोलिए, रिकॉग्निशन कहिए, आज मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग को लेके जो अपग्रेड हुआ है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और एक प्रकार से सभी भारतवासियों को बधाई देता हूं। खास तौर पे जिस प्रकार से दूरदृष्टि रखते हुए इस सरकार ने काम किया, राजनीतिक लाभ से उठकर निर्णय प्रक्रिया को मजबूत बनाया, कड़े फैसले लिए, और 2004 के बाद पहली बार 14 वर्ष के बाद, खासतौर पे क्योंकि लास्ट जो रेटिंग रिव्यू हुई थी वो दिसंबर 2003 और जनवरी 2004 के बीच की थी, दिसंबर 2003 जनवरी 2004 यानी लगभग आज से 14 वर्ष पहले, जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की, फिर एक बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के समय लास्ट रेटिंग अपग्रेड भारत का हुआ था। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक बार और सिद्ध होता है कि भारत में देशहित और जनहित के कार्य, समाज सुधार के कार्य और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आती है तब होता है, और जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या हल होता है, तो देश ने भली भांति पिछले 10 वर्ष में 4 से 14 के बीच, और वैसे देखें तो आजादी के बाद लगभग 50 वर्ष कांग्रेस ने राज किया है, जिसके कारण आज भी देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, आधारभूत सुविधाओं से वंचित है, गरीबी है,
जिससे जिसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तत्पर है। कई निर्णय लिए गए पहले दिन से 2014 से काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बैंकिंग सेक्टर को भी ठीक करने के लिए सही मायने में जो एनपीएस, खासतौर पे जो लेंडिंग यूपीए के समय में हुई थी 2007 से लेकर 2012-13 तक, जो अधिकांश रूप में जो एनपीएस को रिप्रेजेंट करती है, उसको क्लीन अप करने के लिए, उसी के साथ साथ बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी कोड पास करके और अब बैंक रिकैपिटलाइजेशन द्वारा बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने का जो काम मोदी जी की सरकार ने, भाजपा के सरकार ने किया, साथ ही साथ आधार और जैम, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी को यूज करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा लोगों के खाते में सब्सिडी जाए, ये जो एक काम किया जिससे बिचौलियों को खत्म किया और असली हकदार के जेब में पैसे देने का काम किया और लीकेज ऑफ सब्सिडीज को रोका, इसकी भी सराहना मूडीज के रिपोर्ट में की गई है। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, विमुद्रीकरण के बारे में जो अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग प्रचार, कई नासमझ लोग उसको नाम दिया करते थे, जो मेरे ख्याल से उन सब की बोलती बंद करने वाला आज मूडीज के रिपोर्ट तक ने उसकी बड़ी खुल के प्रशंसा की है नोटबंदी की, और आलोचकों का मुंह बंद किया है एक प्रकार से, इफ आई मे बी परमिटेड, व्हाट द इल इन्फॉर्म्ड टर्म्ड एज द गब्बर सिंह टैक्स, द मोर इन्फॉर्म्ड हैव नाउ रिकग्नाइज्ड इट एज द लैंडमार्क ऑफ इंडियन रिफॉर्म। मैं जीएसटी का जिक्र कर रहा हूं। जीएसटी के बारे में कुछ विपक्षी लोगों ने अलग अलग क्रिटिसिज्म, अलग अलग आलोचना की और ये कहा, एंड आई एम रिपीटिंग इट इन इंग्लिश, व्हाट द इल इन्फॉर्म्ड रिगार्ड एज द गब्बर सिंह टैक्स, द मोर इन्फॉर्म्ड हैव नाउ रिकग्नाइज्ड इट एज द लैंडमार्क ऑफ इंडियन रिफॉर्म। विश्व में भारत जितना बड़ा कोई भी एक भी देश नहीं है जिसने जीएसटी जैसा ट्रांसफॉर्मेशनल, बड़े बदलाव करने की आज तक साहस की हो। भारत पहला देश है विश्व में, इतना बड़ा देश, 125 करोड़ लोगों का इतना विशाल देश, 29 राज्य, यूनियन टेरिटरीज अलग, सबकी सर्वसम्मति से, संघीय ढांचे के अंतर्गत पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पारित करके जीएसटी को भारत में लागू करने का साहस किसी भी देश ने विश्व में आज तक, इतने बड़े देश ने नहीं किया। छोटे देश करते हैं, यूके, फ्रांस, कनाडा, इतने बड़े देश ने आज तक ऐसा साहस नहीं किया। इसके लाभ अनगिनत हैं, सभी समझते हैं, सब अर्थव्यवस्था के लोग, अर्थशास्त्री समझते हैं, लेकिन जिन लोगों को कम समझ है, और खासतौर पर अर्थव्यवस्था की, तो जिसने बहुत बुरी हाल कर दी 10 साल के अपने शासन में, और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन असली बागडोर किसके हाथ में थी 2004 से 14 के बीच, उस परिवार की जितनी समझ है उसके हिसाब से तो उनको ये गब्बर सिंह टैक्स ही दिखेगा, लेकिन जो विश्व स्तरीय एक प्रकार से बेंचमार्क है और रेटिंग एजेंसीज को बेंचमार्क के रूप में लगभग सभी निवेशक देश और विदेश में देखते हैं, उन्होंने इसको एक लैंडमार्क रिफॉर्म के तरह रिकग्नाइज किया है। साथ ही साथ जैसे टैक्स बेस बड़ा होगा, इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर में आएगा, उससे टैक्स रेट्स कम होते जाएंगे, ईमानदार व्यवस्था बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार और काला धन खत्म होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं के बारे में जो ऐतिहासिक
कदम इस सरकार ने उठाए हैं, फिर चाहे वो सागरमाला भारतमाला जैसे बड़ी योजनाएं हो परिवहन के क्षेत्र में, चाहे रेलवेज में लगभग 8.5-9 लाख करोड़ रुपए निवेश करके रेलवे को सुरक्षित बनाना, सुविधाएं बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी लाना और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे क्रिएट करने की कोशिश, एविएशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाना, उड़ान लाया गया, नए नए एयरपोर्ट्स देश भर में खुल रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में इस देश में अगले वर्ष के अंत तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का बड़ा काम जो इस सरकार ने बीड़ा उठाई है, इन सब और ऐसे अनगिनत और कदम जिसको मैं कई बार कहता हूं एक माले के अंदर, माला के अंदर जैसे बीड्स होते हैं, बीड्स इन अ नेकलेस, ऐसे अलग अलग बीड्स को देशहित और जनहित में कार्यान्वित करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज इस देश का गौरव बढ़ाया है पूरे विश्व में, भारत की जनता ने तो इसकी सराहना, समर्थन और आशीर्वाद दिया ही है, जिसके कारण आज भाजपा और भाजपा के समर्पित पक्षों की साथ देने वाले पक्षों की कहां 6 सरकारें थी 2014 में, आज 18 सरकारें हैं और अगले महीने तक 19 हो जाएंगे और मुझे लगता है अगले वर्ष तक तो शायद जैसे जैसे भारत भ्रष्टाचार मुक्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस मुक्त भी साथ में होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर जनता का स्नेह, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिर वो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ऐतिहासिक छलांग 130 अंक से सीधा 100 रैंक पे आना, फिर चाहे परसों आई प्यू रिपोर्ट, प्यू की जो सर्वे रिपोर्ट आई है, PEW प्यू की सर्वे रिपोर्ट जो अपने आप में एक बड़ी निष्पक्ष नॉन पार्टिसन रिपोर्ट मानी जाती है और विश्व भर में जिसकी बहुत इंतजार रहता है, लोग देखते रहते हैं उसमें क्या निकलता है, जिसमें दिखाया गया कि शायद ही कभी ऐसा इतिहास में हुआ होगा कि एक राजनेता सरकार कमान संभाले और 3.5 साल तक लगातार उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच बढ़ती रहे, वो और लोकप्रिय होते रहे और 10 में से 9 लोग साधारणता प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा करें, उनके काम पे संतुष्टि जाहिर करें, अर्थव्यवस्था को देखते हुए अपनी खुशी जाहिर करें। और अगर आपने प्यू रिपोर्ट में अगर गहराई से देखा तो 2013 अंत में, दिसंबर 13 जनवरी फरवरी 14 में जब एक प्यू रिपोर्ट निकली थी तब बताया गया था कि देश में सिर्फ और सिर्फ 29% लोग विश्वास करते हैं कि उनकी सरकार अच्छी चल रही है और देश अच्छे हाथों में है, सही हाथों में है और देश की अर्थव्यवस्था, देश में सब कामकाज ठीक चल रहे हैं, मात्र 29%, जो सिर्फ 3-3.5 साल में बढ़के द ट्रस्ट इंडेक्स, विश्वसनीयता अपनी सरकार के ऊपर, अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर 29% से बढ़के 2.5 गुना हो गई, लगभग 70% हो गई। इतना बड़ा बदलाव हुआ है इस देश में और प्रधानमंत्री जी की खुद की लोकप्रियता तो हर साल बढ़ते ही जा रही है, उसमें आज के दिन लगभग 88% पे खड़ी है। और अब आज सुबह जो मूडीज ने BAA3 से सुधार करके BAA2 की नई रेटिंग और साथ में आउटलुक को स्टेबल बनाया है, पॉजिटिव आउटलुक से स्टेबल, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी 1 अंश ऊपर है, ये एक प्रकार से ये दर्शाता है कि आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA सरकार सुशासन और अन्य योजनाओं के साथ देश की जनता के जीवन में बदलाव ला रही है, देश के हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन के पीछे प्रतिबद्ध है, फिर वो गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, महिला हो, युवा युवती हो,
समाज में शोषित वंचित पीड़ित समाज हो, दिव्यांग हो, वृद्ध सीनियर सिटीजन हो, हर वर्ग के लिए सबका साथ लेते हुए सबके उज्जवल भविष्य के लिए काम करने वाली यह सरकार, मैं समझता हूं आज फिर एक बार इसका एंडोर्समेंट, इसकी सराहना हुई है। मैं पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार काम के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से निरंतर ये सरकार जनहित और देशहित के काम करती रहेगी। एक छोटा विषय, आज शायद लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ ट्वीट किया है या कहा है कि बुलेट ट्रेन के बारे में कि एमओयू के बगैर ये बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो रहा है। अब क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित है और अनिल जी ने मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का, तो मुझे लगा वो भी मैं साथ में आप सबको अवगत करा दूं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक व्यक्ति जो पहले रेल मंत्री रह चुके हैं कई वर्षों तक, वो इतने नासमझ हो सकते हैं और उनका समझने का दायरा इतना कमजोर है कि उनको यह भी नहीं मालूम कि सरकारी तंत्र कैसे चलता है। 13 दिसंबर 2015 को ये पीआईबी की प्रेस रिलीज है, जब फिर एक बार मैं आप सबको दूंगा। हिज एक्सीलेंसी शिंजो आबेसान जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, वो जब दिसंबर 11 से 13 2015 को भारत आए थे, उस दौरान एक एमओयू साइन हुआ था 12 दिसंबर 2015 को ऑन कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस इन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसको कई लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं, और दो और कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट 11 दिसंबर 2015 को मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के लिए उनके विजिट के दौरान साइन हुए थे। उसकी पूरी डिटेल्स प्रेस को बताई गई, एमओयू की डिटेल्स और एमओसी की डिटेल्स। अब किसी ने शायद कुछ आरटीआई किया होगा रेलवे में, जिसमें एक डेट दी कि इस तारीख को क्या एमओयू साइन हुआ, इस तारीख को क्या एमओयू साइन हुआ हाई स्पीड ट्रेन का। तो सरकार को तो जवाब, जो प्रश्न है उसी का जवाब देना होता है। तो रेलवे ने जवाब दिया कि नहीं, इस तारीख को एमओसी साइन हुआ भारत और जापान के बीच में। तो वो तारीख अगर आरटीआई में जो तारीख पूछी गई उस तारीख के हिसाब से जवाब दिया गया, 11 दिसंबर की दिन एमओसी साइन हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति या लालू प्रसाद जी ने इतनी भी चेष्टा नहीं की कि असलियत पूरी तरीके से समझ ले कि उसके अगले दिन दिसंबर को एमओयू साइन हुआ बुलेट ट्रेन के विषय में, जो जानकारी पूरी देश और दुनिया के समक्ष है। उसके बावजूद इतनी नासमझी दिखाना, इतने सीनियर लीडर जो पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, मैं समझता हूं इस देश का दुर्भाग्य की बात है और दर्शाता है कि कितना बौखला गया है विपक्ष। धन्यवाद मित्रों। एक एक करके फिर आप, एक विकास जी आप फिर आप आइए। मैं आपको इतना अवश्य बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार विजय की प्रक्रिया चल रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है।
और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी और हम सब पूरे, जैसा मैंने अभी बताया, बुके ऑफ प्रोजेक्ट्स, बुके ऑफ प्रोग्राम्स को लेके देश और जनता का आशीर्वाद लेते हैं, देश और जनता की सेवा करते हैं। जीएसटी भी उसमें सम्मिलित। और बहुत सारे कदम उठाए गए हैं भ्रष्टाचार और काले धन के विरोध में, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में। एक प्रकार से हमारे सभी कामों की सराहना जनता ने लगातार एक के बाद एक, सिर्फ यूपी चुनाव नहीं, मैंने अभी बताया 6 से 18 सरकारें हमारी हो चुकी है, अगले महीने 19 हो जाएंगी और उसके बाद 2018 में वो और बढ़ के आगे बढ़ते रहेगी। जी आप पूछिए। नहीं, आपकी जानकारी शायद थोड़ी सुधार कर लें। उसके पहले मूडीज की रेटिंग बदलती रही है। मूडीज की रेटिंग 2004 के पहले 2003 में अलग थी, उसके पहले 99 में अलग थी। तो मैं समझता हूं जरा आप अपनी अपनी जानकारी को भी सुधार कर लीजिए। एक मिनट। हाँ अभिषेक, इसके बाद और आप अगर अर्थव्यवस्था समझते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि आज $400 बिलियन से अधिक आज हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार है भारत में, जो हमारे एक साल के लगभग इंपोर्ट्स को मीट कर सकता है। और 1990 में जो विदेशी मुद्रा थी भारत के पास, वो 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लायक ही रह गई थी। वो शायद जानकारी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अभिषेक, मैं आई थिंक दिस इज द स्टेट ऑफ डेस्परेशन इन द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स लीडरशिप। दे हैव लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड आर इन फैक्ट डैमेजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच इज नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। अल्टीमेटली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। टूडे इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंडिया इज ऑल्सो एंगेज्ड with all countries in the world, with the investment coming in, with imports, exports, and such comments only go to undermine India's strength and India's image and credibility in the world. I would urge the honorable leaders of the opposition parties not to stoop so low as to take politics to a level where India's national interests are hurt. Well, another statement which reflects the desperation of the Congress party. My colleague, meri sahyogi Shrimati Nirmala Sitaraman ji ne aaj iska spashtikaran दिन में पहले ही कर दिया है, बहुत स्पष्ट स्पष्टीकरण किया है। भारत और फ्रांस के बीच में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन के माध्यम से रफेल की डील हुई, जिसके तहत जो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, जो एक प्रकार से हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करती थी, ऐसे 36 प्लेन को लेने का निर्णय लिया गया और उस निर्णय के तहत वो प्लेन भारत में आएंगे।
ये एक अलग ट्रांजैक्शन है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई है. इसके अलावा भारतीय डिफेंस फोर्सेस भारत में सक्षम बने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन से भारत में चीजें बने उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं. उसके तहत कोई भी कंपनी किसी के भी साथ कोई भी एग्रीमेंट करे उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है. आप भी जाके कोई विदेश में किसी भी कंपनी के साथ एफडीआई पॉलिसी के तहत कोई एग्रीमेंट करें उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है और सरकार की उससे खरीदने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है. Running away from? Well, I don't think here we have any situation where we need to run away from facing parliament. First of all, I just want to add to what you just said. There's a lot of political capital and appreciation for Prime Minister Modi, not only because he's Prime Minister Modi, that is obviously an element, but because he's Prime Minister of a strong, powerful nation of 125 crore Indians, and it is a mark of great respect for all of us, the 125 crore citizens of this country, and that is the strength with which Prime Minister Modi goes, represents a people, 125 crore people of India, and it is a great recognition and political capital of all of us, 125 crore citizens, that is reflected not only in the leadership that India is providing now in every international forum, but also in the continuous recognition and reports and surveys that come out in favor of the government and Prime Minister Modi and India. As regards parliament is concerned, there are elections which were there in Himachal and now in Gujarat. A lot of people have been requesting and have been busy with election duties, and a lot of people requested that we should be allowed to focus on that. But I'm sure the government will be taking a decision soon. On the parliament dates and when the parliament will be convened. जी आज भारतीय मजदूर संघ ने एक बहुत ही बड़ा दिल्ली में कार्यक्रम किया देश भर से भारतीय मजदूर संघ के मेंबर्स आज दिल्ली आए और वास्तव में एक प्रकार से ये दर्शाता है कि आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भारतीय मजदूर संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया है. उनका एक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाला माननीय वित्त मंत्री जी के पास मिलने आया था, अपने विचार रखने आया था, कुछ मांगे रखने आया था. बहुत अच्छी बातचीत हुई है हमारी उस प्रतिनिधि मंडल के साथ, भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ. उन्होंने रिकॉर्ड पे वित्त मंत्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी धन्यवाद दिया है उनके प्रगतिशील कदमों के लिए. उल्टे मीटिंग भी शुरू हुई तो मूडीज के रेफरेंस से शुरू हुई. उन्होंने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई दी कि आज देश ही नहीं पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को, कार्यक्रमों की तारीफ कर रहा है.
वहां से शुरू हुई, फिर उन्होंने बताया कि जो जो कामगारों के हित में कार्य किए हैं भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने, पहले से मिनिमम पेंशन 1000 रुपए करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। मिनिमम वेजेस 42% से बढ़ाना और हर सेक्टर के लिए, पहले तो कभी एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, कभी कंस्ट्रक्शन के लिए, हो रहा है कभी स्टील, ये पहली बार भारत के इतिहास में एक साथ पूरे कामगार क्षेत्र के लिए 42% मिनिमम वेजेस को बढ़ाया गया, बोनस को बढ़ाया गया, बोनस में जो लिमिट पहले शायद 7200 या 7600 रुपए थी, उसको बढ़ा के 10000 पे किया गया। बोनस की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के शायद 21000, अन्य अन्य चीजें उन्होंने गिनाई जिससे वो बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने ये भी वित्त मंत्री जी से आग्रह किया और मांग कि जो सिक्योरिटी कोड और वेजेस कोड सरकार ने इनिशिएट किए हैं वो बहुत अच्छे कोड्स हैं, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसको पार्लियामेंट से पास किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ विषयों पे सरकार का ध्यान आकर्षित किया जिसपे सरकार पूरी तरीके से विचार विमर्श करके उचित निर्णय लेगी। Well, this government has continuously stayed the course of reform, perform, and transform. As one of my senior leaders used to say, also inform. We have continuously kept up the momentum to make infrastructure the bulwark of our investments, to focus on creating a framework in which the nation can see decades of prosperity. When you make such transformational change, the transitional period also has its own challenges, which we have faced with confidence, and as they say in English, we were willing to bite the bullet, where most political parties would have fallen shy, would have been not confident enough to face the consequences. This is one government which has taken bold decisions, and thanks to those bold decisions, the nation is moving towards a more formal economy, a more digital economy,
and a more honest economy, which is being recognized the world over. As things proceed and progress, we will wish to continue on the path of fiscal consolidation so that the macroeconomic position of this country continues to be strong. We will continue to improve on all the parameters, be it reducing deficits, improving our growth prospects, reducing and keeping inflation under control, which for the last 3.5 years you've seen inflation has been totally under control at never before low levels. We will continue to persevere to bring down interest rates. We will continue to bring more of the economy in the formal economy so that on a wider tax base, we can reduce the tax rates. Along with that, our thrust through Bharat Mala to create a whole web of road network, through Sagar Mala to expand our port investments in the railways to make it a more safer, secure, more comfortable journey for the people of India, expand our freight carrying capacity, ensure that we bring in the latest and most modern technology, be it in signaling systems, be it in security apparatus, be it through the bullet train project. Our effort will be to ensure that every part of the country gets connected through optic fiber. You're all aware that in the last 3 years, we have expanded from 358 kilometers of optic fiber to 220,000 or 230,000 kilometers of optic fiber being laid in the country. We have nearly completed village electrification. I think barely 2,000 villages are left, which will be completed well before 1st May, the 1,000-day target that PM had set. Now we have embarked on Saubhagya. For the first time, a government has taken it upon itself to provide free electricity connection to every household in this country. Those who are outside the SECC will pay a nominal amount of 500 rupees, 100 rupees per month for 5 months. Other than that, everybody getting free electricity connection. First time in the history of India. So a variety of initiatives to expand the welfare of the poorest of the poor, to ensure a better quality of life for the middle class in this country, and to provide dignity of labor to every worker in this country will be our effort in the days to come. Thank you. What about the nurse?